इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी टेलीकॉम आपका चैनल। मेरे साथ है मिलन। ये हम आपको बताएंगे डायग्नोस्टिक पोर्ट कैसे ओपन करते हैं, आईएमई रिपेयर, तो हम यहाँ वीडियो में नहीं बताने वाले। चलिए ठीक है, बताइए। आप क्लास को संबोधित कर लो, वो तो वैसे ही पता चल रहा है। बताओ, क्लास को बताओ। आप पहले हम मोबाइल में जाएंगे, अबाउट सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फोन, उसके बाद ये हमें एक बार सुने आना है, इसमें हम क्लिक करेंगे साथ का, फिर आएगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, अभी यूएसबी डेवलपिंग ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ तो ऊपर एडीबी आता है, नीचे पोर्ट में आएगा डायग्नोस्टिक, पोर्ट में नहीं आया। तो अभी दूसरा तरीका क्या है? मिरेकल से, पर उससे पहले एक बार सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड बताइए। तो सीक्रेट को पीडीएफ ओपन कर लो, पीडीएफ में दिया है मैंने, इसमें यहाँ कॉलकम वाले फोल्डर में जाना, फ्लैश फाइल के अंदर ई में जाओ, और पीछे जाओ, इसमें नहीं, ई में जाओ, ई में जाओ, पहले फ्लैश फाइल कॉलकम, ठीक, इसमें है वही डायग्नोस्टिक बोर्ड। तो इसमें हम वीवो वाला देखेंगे। अच्छा एक काम करो, सुनो तो, बैक करो, बैक करो, ये वाला मत खोलो, बैक करो, बैक करो बस। साउमी में एमआई में जाओ, एमआई में भी दिया हुआ है, एमआई में जाओ, एमआई में, एमआई मोबाइल फ्लैशिंग ऊपर देखिए, हाँ ये, इसमें देखो डायग्नोस्टिक पोर्ट वाला एक होगा, है ना, पीडीएफ ओपन करो, ऊपर से थर्ड है, तीसरा ऊपर से, हाँ ये। अब इसमें क्या बताया गया है, पहले नंबर पे सबसे ऊपर वाला स्टेप वन, फिर दूसरे नंबर पे दो सीक्रेट कोड, दोनों यूज करेंगे, तो दोनों हम सीक्रेट कोड यूज करेंगे यहां पर। तो चलिए पहला सीक्रेट कोड यूज करते हैं, हेड स्टार हेड 13। आप भी यूज कर लो अपने मोबाइल में, जिस जिसका एमआई का फोन है, एक बार 491 नहीं है, नहीं आया, दूसरा वाला यूज करो, 7 वाला हेड स्टार 7 वाला यूज करने पर नीचे से एक अपने आप मैसेज आएगा 3 डायग्नोस्टिक पोर्ट का 491 एच, नहीं तुमने ये वाला तो पहले ही यूज किया था ना, 7 वाला यूज किया था क्या? नीचे नहीं आया ना, मतलब पोर्ट से हमारा डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही आ गया है, कुछ कुछ मोबाइल में काम करते हैं नीचे वाले से आ गया है, देखिए इसमें भी आ गया है। अब जैसे इसमें मैं एक दूसरा वाला पोर्ट यूज करता हूँ, स्टार हैश 7177 हैश स्टार हैश स्टार, तो देखिए, तो मतलब कुछ पोर्ट काम करते हैं, कुछ कोड काम नहीं करते हैं। तो चलिए इसमें हमारा वो कोड काम नहीं गया, तो फिर अब तीसरा कौन सा मेथड है? इसमें देखिए, इसमें क्या बताया गया, पीडीएफ में बताइए, नीचे करो, मिरेकल, मिरेकल में कहां कहां करना है, ये देखो सारे सामने दिया है सब कुछ, चलो करो मिरेकल क्रैक ओपन कर लो। तो दोस्तों ये डायग्नोस्टिक पोर्ट है, डायग्नोस्टिक पोर्ट आपको नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए, क्यूसीएन रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, और आईएमई को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ईडल पोर्ट आता है फ्लैशिंग मोड, वो लगा लो, माउस, माउस यूज कर लो, क्यों
पोर्ट, पहले ये निमाचक सिलेक्ट करेंगे कि पोर्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एडीबी यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या दबाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट स्टार्ट बटन और देखेंगे कि इससे काम होगा कि नहीं। उस हो गया, तो देखिए यहां पर प्रोसेस आई है डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल। अब हम इसमें देखेंगे, लाओ तो देखिए यहां पर ये आ गया हमारा डायग्नोस्टिक पोर्ट, तो ये आ गया हमारा डायग्नोस्टिक पोर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि डायग्नोस्टिक पोर्ट कैसे लेके आते हैं, और हालांकि नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए लिया जाता है, ये हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यहाँ पढ़ने आना है तो हर महीने का 15 तारीख को 28 तारीख का बैच है। थैंक यू वेरी मच, नंबर नीचे प्लस हो रहा है। नमस्कार बंधुरा, वेस्ट बेंगल থেকে এসেছি। আমি এখানে এশিয়া টেলিকমের স্টুডেন্ট। আমি আপনার সামনে আমি স্যারে একটা বুক রিভিউ করতে চাই। এই বুকটা আমি কলকাতা থাকি, বুকটা রিভিউ করতে চাই স্যার। এখানে এই বুকে কি অ্যাডভান্স চিপ লেভেল স্যার, এশিয়া টেলিকম ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান, এই বুকে হচ্ছে অ্যাডভান্স চিপ লেভেল ফোন রিপেয়ারিং শেখায় হার্ডওয়্যার, আর এর মধ্যে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ডিটেলস যা আপনারা আদার্স কোথাও পাবেন না। যেমন এখানে ডায়াগ্রামের সাথে আপনার প্রচণ্ড পরিমাণ ডিটেলস, যে ডিটেলস অন্য কোনো ইনস্টিটিউট দিতে পারবে না আপনাদের, এখানে প্রচণ্ড পরিমাণ ডিটেলস আছে। এবং আপনার অনেক বন্ধুরা আছে, আপনারা এখানে আসতে পারেন না, এখানে সময় থাকে না, টাকার বিনিময়ে তারা এই বইটা কিনে আপনারা বাড়িতে পড়তে পারেন। আর আমি মনে করি বেটার ফিল হবে, বেটার এক্সপিরিয়েন্স আদার্স, মানে আর সবাই বুক থেকে অনেক বেটার এক্সপিরিয়েন্স হবে আর বেটার। আর আমি এখানে এসেছি, এখানে আমি স্টুডেন্ট, এই মাইনে এটা হচ্ছে আগস্ট মাসে আমি স্টুডেন্টস, আর এই মাসে আমি এক মাস হয়ে গেছে আমার কোর্স শেষ হতে চললো। তা আমি এখন গর্ব করে বলতে পারি আমি এই স্যারের কাছে এক সপ্তাহ ধরে যা শিখেছি হার্ডওয়্যারে আদার্স কোনো ইনস্টিটিউট শেখাতে পারবো না। আর যদি আপনার কাছে আমার কথা মিথ্যা হয় তাহলে কোনো ইনস্টিটিউট থেকে ছেলে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দিন, আর আমার তার সামনে আমাকে প্রশ্ন করুন আর আমি তাকে প্রশ্ন করুন, দেখে দেবেন কার কে কতটা জ্ঞান পেয়েছে। অবশ্যই, থ্যাংক ইউ, নমস্কার। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को, और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, मोबाइल सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, फ्लैशिंग आपको सीखना है, आपको पता करना है कि फ्लैशिंग क्या होती है, स्टॉक रूम किसे कहते हैं, कैसे हम फाइलों की फ्लैशिंग करें, तो आप आज ही डाउनलोड करें एक ऐप्स जो आज हमने लॉन्च किया है। तो आपको करना क्या है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, एशिया टेलीकॉम लिखना है दोस्तों, कोई सा भी ऐप्स मेरा खोल लेना है, और ऐप्स के नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देवरत्न अग्रवाल दिखाई देगा और मेरे बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे, वहाँ पे आप मोर पे क्लिक करें दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे नीचे में एक आपको ऐप्स मिलेगा मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, तो ये जो आपको ऐप्स है इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, डायरेक्ट आप उसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे। इसको आज के आज डाउनलोड करें, केवल 2.1 MB का ये ऐप्स है दोस्तों, और इसमें मैंने बताया है सब तरह की फ्लैशिंग, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर सब तरह के यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, तो यहाँ पर आपको मैंने कोशिश की है कि सब तरह के यहाँ पर ज्ञान। तो दोस्तों यहां पर आपको करना है इसको ओपन, और इसको इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों ये जैसे ही ओपन होता है तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको करना है एंटर टू इंस्टीट्यूट, तो आपको यहां पे एंटर टू इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहां पे आ जाएंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉल्ट। तो यहां क्या मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, स्मार्टफोन रिपेयरिंग होता क्या है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, फ्लैशिंग के टाइप, यूएसबी केबल से क्या फ्लैश किया जाता है, फ्लैशिंग तो मोबाइल फ्लैशिंग विद यूएसबी केबल क्या होती है, मोबाइल फ्लैशिंग विद विदाउट यूएसबी केबल अगर हम बात करें, विद बॉक्स यहाँ पे सब बताया गया है, स्टॉक रोम, कस्टम रोम, रिकवरी टाइप, कस्टम रिकवरी, स्टॉक रिकवरी, और दोस्तों यहाँ पे आपको सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और हाउ टू यूज रिकवरी मोड और ये सारी चीज़ें, व्हाट इज मोबाइल फ्लैशिंग टूल, सीपीयू बेस क्या होता है, तो यहाँ पे आईफोन की फ्लैशिंग, उसका
आईफोन का टूल, आईफोन का ड्राइवर, यहाँ पे सब कुछ देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। आईफोन एप्पल में पासकोड कैसे अनलॉक करते हैं, डीएफई मोड पे कैसे लाते हैं, सैमसंग का सारी उसके सारे वर्जन आपको यहाँ पे वन क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके सारे ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं, FRP रिएक्टिवेशन, और यहाँ पे सैमसंग FRP टूल, मीडिया टेक, तो यहाँ पर आपको मीडिया टेक के सारे मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप बाकायदा पिक्चर के साथ। Xiaomi में मिल जाएगा आपको Xiaomi के टूल, कैसे उसको अनलॉक करें अकाउंट, स्प्रेडटम मोबाइल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोकिया और फिर उसके बाद में फ्लैशिंग बॉक्स के क्रैक वर्जन, GSM टूल, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये सब देखने को मिलेंगे। तो इसको आज ही डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं दोस्तों। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है खुद हमारे इंस्टीट्यूट आके, तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर दीजिएगा, और वो भी आपसे कॉल कर सकते हैं 12 और 5 बजे के बीच में। धन्यवाद। Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.